एक घंटा पहले बोला था कि मैं रेडी हो रही, एक घंटे से साड़ी नहीं लग रहा है। मेकअप हमेशा लड़ती रहती है मेरे से ना, जब माला बनाते कैसे। लो अभी गाइस, अभी माला में 2 घंटे लगेंगे। सच में यार, एक अनार मैं भी चला लेता हूँ। एवरीवन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो गया हमारा तो, अभी गुड मॉर्निंग हुआ है। हैप्पी दीपावली, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आप सबको दीपावली की। गाइस देखिए ये पर्दा, हाँ वो अंदर रहेगा ना गाइस, ये घर पे नहीं थे, ये ऑफिस के काम से मुंबई गए हुए थे, तो पर्दा मेरे से चेंज नहीं हुआ, तो आज ये पर्दा चेंज कर रहे हैं। अभी वर्षा पोछा लगा रही है। क्या तुमने कब बोला था बनाने के लिए? मैंने पकौड़े का नहीं बोला था, नहीं नेहा का आइडिया था कि मुंशी ये बना लो बोल के। ये गाइस हमेशा लड़ती रहती है मेरे से ना, जब अभी इतना काम है और काम खत्म होके फिर खाना ना खा के मैं मार्केट जाऊंगा, थोड़ा मिठाई और पूजन का सामान आप लोग जानते हैं बहुत कुछ रहता है दिवाली वाले दिन, तो वो सब लेके आना है। उसके बाद घर में लाइट लगाना है, तो शाम को ऐसे ही हो जाएगा, फिर पूजा का तैयारी करना। अभी गाइस रेडी हो गया था फाइनली, आप देख सकते हैं मैंने कुर्ता पजामा डाला हुआ है, और शाम का अभी 6:15 हो रहा है और देखता हूँ वर्षा क्या कर रही है। मैडम ने बोला था 1 घंटा पहले कि मैं तैयार हो रही हूँ, और अभी 1 घंटा हो गया है, अभी देखता हूँ गाइस क्या हो रहा है। अभी तक तैयार नहीं हुए, साड़ी नहीं लग रहा है। 1 घंटा पहले बोला था कि मैं रेडी हो रही, 1 घंटे से साड़ी नहीं लग रहा है, मेकअप का और ये साड़ी का समझ नहीं आता है क्या चक्कर है। मेकअप तो किया ही नहीं, अभी साड़ी लगा रही हूं। कितना लेट हो गया है। अभी गाइस देखिए वर्षा माला बना रही है। कितना टाइम लग जाएगा? टाइम? हाँ 3 घंटे मेकअप में लगे अभी माला में। मेकअप में कौन सा 3 घंटे लगे, ऐसे ही कुछ भी और क्या है, पूरा रिकॉर्ड हो रहा है सब। ये माला बनाते कैसे? लो अभी गाइस, अभी माला में 2 घंटे लगेंगे। सच में यार, ये सुई तो इधर आ गया, देखना इधर आ गया, अब क्या करूं इसको। अरे गाइस पोपट हो गया ये तो, माला बनाने बैठे लेकिन माला पता ही नहीं बनता कैसे है। गाइस देखिए मैं माला बनाना भूल गई, तो अब देखिए अब ये बना रहे हैं। फाइनली गाइस पूजा कर लिया था और अभी खाना खाने जा रहा हूँ। अभी गाइस हम नीचे जा रहे हैं, ये जिद कर करके ना, मेरा तो हालत खराब है खाना खाने के बाद ना, लेकिन ये इसको पटाखे अभी फोड़ने हैं, तो हम नीचे जा रहे हैं पटाखे जलाने के लिए। सोसाइटी है यहाँ फ्लैट में, ऊपर आप लोग जो रहते हैं वो जानते होंगे कि जगह नहीं होता है इतना, तो नीचे हम जा रहे हैं। तो गाइस मैंने फाइनली अपना कपड़ा चेंज कर लिया, साड़ी, और मैं अपनी पुराने अवतार पे आ गई, सूट पे पुराना रूप धारण कर लिया है अभी देवी जी ने ना। पटाखा तो उधर ही है ना, ले लो ना सारा। तो लो ना तुम पटाखा, क्या हुआ तो इतना ही किससे निकाल रही है? मैंने निकाला है ना, तो इतना ही क्यों निकाला? मैंने छुपा के रखे थे। छुपा के रखे क्यों? हाँ वो बाबू लेके नीचे ले ले, बाबू नीचे ले जाएगा ना सारा, तो बजाने लगता है इसीलिए। तो पटाखे बजाने के लिए होते हैं ना, तो वो अकेले चला जाता है ना, उसको चोट वोट लग जाएगा, उसको पता नहीं चलता ना इसमें पटाखा कौन सा है कौन सा क्या है, तो फिर उसकी आँख में चोट लग जाएगा, हाथ में चोट लग जाएगी, इसीलिए माचिस लिया है, माचिस लाइटर रखा है इसने, लाइटर रख लिया है, लाइटर रख लिया है। हमने घर इस टाइप से सजाया है, काफी सुंदर लगते है ना ये, और ये काफी सुंदर लग रहा है, ये मेरा पसंद है, मैंने लाया है। ये हमारा दोनों लिफ्ट खराब हो गए हैं, इसीलिए इनमें से कोई भी नीचे जाने को राजी नहीं था, बट मैं सबको जबरदस्ती लेके जा रही हूँ क्योंकि मेरी आदत है सीढ़ी चढ़ने का, मुझे लिफ्ट से डर लगता है। मुझे आप आंखें देख सकते हैं, इतना तेज नींद आ रहा है अभी, इनको देखो
जाने का मन नहीं है, लेकिन मैं सबको ले जा रही हूँ। क्या कर रहा है? अरे होगा नहीं होगा वो। चलाओ चलाओ वो देखो वो देखो। एक अनार मैं भी चला लेता हूँ। देखा घोंट लिया तो तुरंत चलाना। क्या है क्या होता इसके क्या होता बसता है नहीं बम्ब है बम्ब ये क्या है ये बम्ब है ये बम्ब है ये पटाखा है ये तो अनार है ये अनार है। अरे ये सुतली बम्ब है ये सुतली बम्ब है नहीं चलने दे चलने दे। आगे मत जाना धड़ूम तुरंत फेंक देना ये आवाज करेगा बड़ा तेज। तुरंत फेंक देना चलो क्या हुआ है पटाखा भी चलाना है तो धुआं भी आ रहा है कितना पॉल्यूशन हो रहा है। मैं कभी चलाती हूँ पटाखा आज तक कभी अभी अभी भी एक भी पटाखा चलाई खाली झिरझिरिया जला के बैठी हूँ। वो तो आप जला रहे हो मैंने कब जलाया हमने पटाखा इतना कहाँ लाया है तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें लाइक करें। तो गाइज हैप्पी दिवाली आप सभी को मेरी तरफ से और आपको और आपके पूरे परिवार को भगवान लक्ष्मी खूब कृपा करें खूब आशीर्वाद दें और हमेशा आप लोग खुश रहें। तो मिलते हैं गाइज अगले ब्लॉग में। बाय गुड नाइट।